युवराज दुर्गी जी मेरे नाल आई समुची अकाली दल की लीडरशिप इस नगर के वसनीक बलदेव राज जी कंबोज ते साहब कुलवंत सिंह के ग्रह विखे इकत्र हुई वीरों अते भैनों गज के फते बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं तो पहला बोलदिया नौजवान वीर ने आप दिया मुश्किलां दसियां एक शहीद ऊधम सिंह नगर के वसनीक है जिहड़े ये वाकई मुश्किलां दे विच रह रहे हैं। अज तो 7-8 साल पहला असी कोशिश की सी इन्हां दे पिंड दे विच कुछ कंक्रीट दियां गलियां ते डिवेलपमेंट कराई सी पर 2017 दे विच कांग्रेस सरकार बन गई ते डिवेलपमेंट सारी उत्थे रुक गई। उन्होंने जिथे झूठे लारे ला के बड़े वड्डे वड्डे वादे करके घर घर जाके फार्म भरे नौजवानों घर घर नौकरी का लारा दिता स्मार्टफोन का लारा दिता बेरोजगारी भत्ते का लारा दिता किसानों पूर्ण कर्जा माफी का लारा दिता और गरीब परिवारों आटे दाल के नाल खंड घ्यो चाह पत्ती देने का लारा दिता 55,000 रुपये छगन स्कीम की गल की वड्डे वड्डे लारे ला के उन्होंने सरकार बना ली पर 5 साल किसी की बात नहीं पूछी। 5 साल लगातार हल्के दे विच लुट ते कुट का दौर चलिया चोरियां की भरमार रही है नशे की भरमार रही है लोग जुल्म की चक्की दे विच पिसदे रहे हैं पर हल्के दे हालात ऐसे बने 4 वार दे जेतू एमएलए नूं मजबूरन हलका छड के जाना पिया उहदे च हौसला नहीं बचा सी हिम्मत नहीं बची सी कि थोड़े सामने खड़ के आके थोड़े सवालों के जवाब दे सकता। उसे तर्ज के उत्ते चलदिया हुण आम आदमी पार्टी वाले जिवें उन्होंने फार्म भरा भरा के लारे लाए सी घर घर जाके गरंटियां वंड रहे हैं घर घर जाके गरंटी कार्ड दे रहे हैं बहुत वड्डे वड्डे लारे ला रहे हैं पर विरोध कांग्रेस का और आम आदमी का जिहड़े कैंडीडेट है वो प्रवासी पंछियों की तरह है। पूरे हल्के दे विचों कांग्रेस को कोई उम्मीदवार नहीं लभेगा इतों 150 किलोमीटर तो लिया के उन्होंने उम्मीदवार खड़ा किया। इसे तरह ही आम आदमी का कैंडीडेट है जिहड़ा वो बठिंडे का रहने वाला है परमानेंट वसनीक बठिंडे का वो और जे साडी गल करिए साडा इतों 15 किलोमीटर के पिंड है और पिछले 10 साल तो लगातार तुहाडी सेवा दे विच हाजिर है असी थोड़े खुशी गमी दे विच शरीक हुंदे हैं तुहाडियां मुश्किलां जिहड़ियां वो सानूं पता है तुहाडियां मुश्किलां दा हल है जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल ही कर सकदा है। बाकी सब लारे ला के सरकार बना लैंदे मुड़ के बात नहीं पुछदे गे सो थोड़े अगे हथ जोड़ के बेनती है कि आने वाली 20 तरीक नूं लारिया च ना आते हुए श्रोमणी अकाली दल का साथ दिओ क्योंकि श्रोमणी अकाली दल ने जो कहा वो किया ते अगों भी थोनों विश्वास दवाने हैं जो कहांगे वो करांगे। बादल साहब ने पहला भी जिन्ने वादे किए सी पंजाब के वक्ख-वक्ख वर्गों नाल
सारे पूरे किए हैं ते हुण भी बादल साहब ने 13 वादे किए हैं उहदे च हर एक वर्ग का ख्याल रखा गया है। सब तो पहला वादा किया है कि अगे नीले कार्डां ते आटा दाल मिलता सी हुण घर की मुखी बीबी नूं 2000 रुपया महीना 24000 रुपया साल का सम्मान भत्ता मिलिया करूगा। अगे 200 यूनिट बिजली के मुफ्त मिलते थी एससी ते बीसी परिवार हुण 400 यूनिट महीने के मिलिया करनगे 800 यूनिट 2 महीनों के ते मिलिया भी सारिआं नूं करनगे 10 लाख रुपए तक का तुहाडा हरेक परिवार का इलाज है जिहड़ा एक साल का मुफ्त होया करूगा तुहाडे हैल्थ कार्ड बना के दिते जाणगे चाहे तुसीं सरकारी हॉस्पिटल चो कराओ चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल चो कराओ। जिहड़े बच्चे सरकारी स्कूलों च पढ़ते हैं उन्हां वास्ते 33% सीटां प्रोफेसनल कोर्सां च जिवें मैडिकल है जिवें डॉक्टरी का नर्सिंग का इंजीनियरिंग है इन्हां कोर्सों के 33% सीटां रिजर्व कीतियां जाणगियां ताकि सरकारी स्कूलों च पढ़ने वाले बच्चे है जिहड़े वह डॉक्टर इंजीनियर बन सकन। इस तरह ही जिहड़े बच्चे देश विदेश में जाके उच्ची विद्या लेनी चाहते हैं उन्हां वास्ते 10 लाख रुपए तक का कर्जा बिना ब्याज तो पंजाब सरकार देगी जिहड़ा तुसीं किश्तां च करके 10 सालों च वापस करना है उहदा ब्याज सारा पंजाब सरकार भरूगी। जिहड़े बच्चे बच्चियां आपका कोई निक्का मोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं उन्हां नूं 5 लाख रुपए तक का कर्जा बिना ब्याज तो पंजाब सरकार देगी। प्राइवेट सैक्टर के 75% नौकरियां पंजाबियों लिए रिजर्व कीतियां जाणगियां। इसे तरह ही दुध फल ते सब्जियां दे उत्ते MSP दिता जाऊगा। खेती वास्ते डीजल है जिहड़ा 10 रुपये लीटर सस्ता देने का वादा किया है। नौकरियां दे विच 50% रिजर्वेशन महिलावां वास्ते देने का बादल साहब ने वादा किया है और घट्टो घट 1 लाख सरकारी नौकरी ते 10 लाख प्राइवेट सैक्टर दे विच रुजगार देने का भी बादल साहब ने वादा किया है। ये वादे तां पूरे होने हैं जे आपां तकड़े होकर श्रोमणी अकाली दल का साथ देवांगे श्रोमणी अकाली दल वोट करांगे सपोर्ट करांगे क्योंकि श्रोमणी अकाली दल पंजाब की और पंजाबियों की पार्टी है। तुहाडी हर एक मुश्किल तो जाणू है तुहाडी हर एक मुश्किल का हल है जिहड़ा वो श्रोमणी अकाली दल ही कर सकता है। इस करके तुहानू बेनती करते हैं कि आने वाली 20 तरीक नूं एक एक बटन है जिहड़ा तकड़ी का दबा के दास नूं कामयाब करो ता जो अपने अधूरे पे काम है अधूरे पे सुपने हैं उन्होंने आप पूरे कर सकीए। अज मैं धन्यवाद करता युवराज सोढी जी का भट्टी साहब का जिन्हों की प्रेरणा सदका अज दर्जना परिवार इतों के मौजूदा सरपंच है जेडे वो श्रोमणी अकाली दल में शमूलीयत कर रहे हैं। मैं सारे ही परिवारों को जी आया आखदा उन्हों का धन्यवाद भी करता है और उन्होंने विश्वास भी दवाना है कि उन्होंने पूरा मान सत्कार किया जाऊगा और उन्होंने जिन्हां मुश्किलें सारिया असं आने वाले समय के हल करा इन बेनती करता कि मैं जगह।